औरत बाहर जाती है इसीलिए मीटू होता है। इस तरह का बयान जो है मुकेश खन्ना का एक वीडियो से वायरल हुआ और कल जो है सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहे थे और बहुत सारे लोग जो है उनकी इस ओपिनियन की टीका कर रहे थे। अब अपने इस वीडियो पर, वायरल वीडियो पर, मुकेश खन्ना ने सफाई लिखी है और कहा है कि मैं तो नारियों की, औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, मुझे सचमुच हैरानी हो रही है कि मेरे एक स्टेटमेंट को बहुत गलत तरीके से लिया गया। एक लंबा पोस्ट जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे सचमुच हैरानी हो रही है कि मेरे एक स्टेटमेंट को बहुत ही गलत तरीके से लिया जा रहा है, मुझे औरतों के खिलाफ बताया जा रहा है। जितनी इज्जत मैं नारियों की करता हूँ शायद ही कोई करता होगा, इसीलिए मैंने लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म के टाइटल का भी विरोध किया। मैं नारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, हर रेप कांड के खिलाफ मैं बोला। मेरे एक इंटरव्यू की क्लिपिंग को लेकर कुछ लोगों ने शोर मचा दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये बताने जा रहा था कि मीटू की शुरुआत कैसे होती है। हमारे देश में औरतों ने हर फील्ड में अपनी जगह बनाई है, फिर चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, विदेश मंत्री हो या स्पेस में हो, हर जगह नारी ने अपना परचम लहराया है। हालांकि बहुत लंबा पोस्ट है, मैंने ये नहीं कहा कि नारी बाहर जाती है तो मीटू होता है। मैंने एक साल पहले इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि तब भी मैंने ये कहा था कि नारियों को अपने काम करने की जगह पर अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। मैंने तब भी यही कहा था कि नारियां काम पर ना जाए, मैंने ये नहीं कहा था, तो आज कैसे कह सकता हूं। फिर जो है वो बहुत सारा जो है उन्होंने लंबा क्लैरिफिकेशन लिखा है, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि नारी समाज मेरे खिलाफ हो जाएगा, उन्हें होना भी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी खुली किताब है, सब जानते हैं कि मैंने कैसे जिंदगी जी है और कैसे रहा हूं। मैं अपना वही इंटरव्यू आपको पूरा दिखाना चाहता हूं जिससे ये क्लिपिंग ली गई है, आपको पता चलेगा मैं नारियों के प्रति क्या विचार रखता हूं। तो ये जो है उन्होंने एक लंबा पोस्ट शेयर किया है और साथ में अपना वो इंटरव्यू भी शेयर किया है। लेकिन जो कल क्लिप वायरल हो रही थी उसमें वो कह रहे थे, जो उनके वर्ड थे, औरत की रचना अलग होती है और मर्द की अलग होती है। औरत का काम होता है घर संभालना, जो माफ करना मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मीटू की, जब औरतों ने बाहर जाकर काम करना शुरू किया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात करती है। तो ये जो है उनके उस इंटरव्यू में से ही कुछ शब्द थे जो कल काफी वायरल हुए और उसके बाद जो है मुकेश खन्ना को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और कहा गया कि इस तरह की बातें जो है उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। यहाँ तक कि दिव्यंका त्रिपाठी ने भी उनको जो है इस बात के लिए लताड़ लगाई कि ये शब्द जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते थे।